अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आजम खान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में देखिए उन्होंने किस तरीके से उनके जेल जाने पर तंज कस दिया। उनकी ये बातें सुनकर सदन में बैठे विधायक भी ठहाके लगाकर हंस पड़े। हमने तो भेदभाव नहीं किया, बिजली यहां आएगी यहां नहीं आएगी, हमने तो नहीं किया। बलदेव सिंह गोलक हमारे मंत्री आए, कहा रामपुर में बिजली आएगी कि नहीं आएगी, मैंने कहा जैसे पहले आती थी वैसी आएगी, वहां जा रही बिजली, और बिजली तो बहुत चमक रही है, वहां तो बहुत तेज से चमक रही है, बहुत अच्छे ढंग से चमक रही है। ये सब जब बिजली चमकती है ना, ये फालतू वायरस नहीं पैदा होते फिर उसमें, कोरोना वायरस उसी से पैदा होते हैं, गंदगी में ही पैदा होते हैं, अंधकार में ही पैदा होते हैं, और हम उसी को दूर कर रहे हैं। उस प्रकार के सारी चीजों को एक साथ सफाई का अभियान भी चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय देने के साथ साथ उस गंदगी को सफाई का भी एक अभियान है। किसी भी रूप में गंदगी हो उसका सफाया होना चाहिए, उसी का हिस्सा है ये। अध्यक्ष जी तीन भाई थे, तीनों ने भगवान की बड़ी आराधना की, एक ने कहा कि मुझे शक्ति मिल जाए, दूसरे ने कहा मुझे भक्ति मिल जाए, तीसरे ने कहा मुझे सत्ता मिल जाए। तो सत्ता का प्रतीक इंद्रासन था, तो बेचारा इंद्रासन बोलने की बजाय वह निंद्रासन बोल दिया, तो निंद्रासन में पहुंचा ही दिया जनता ने। महोदय ये होता था यहां पे, जब देखो हम विकास की बात करेंगे वो जाति की बात करेंगे, हम बुनियादी सुविधाओं की बात करेंगे वो जाति की बात करेंगे, हम लोग सुरक्षा की बात करेंगे वो जाति की बात करेंगे, हम लोग प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास देने की बात करते हैं तो ये लोग जाति की बात करते हैं। हमने तो कहा भी सबका साथ और सबका विकास, कोई भेद किया क्या किसी के साथ, कोई नहीं कह सकता। ये सूची 2012 की सेक्स सूची हम लोगों ने नहीं बनाई है, तब ना केंद्र में बीजेपी थी ना प्रदेश में बीजेपी थी, लेकिन हमने कहा उसके अनुसार देंगे, जो बचेंगे उनको भी देंगे, किसी को वंचित नहीं रखेंगे। कार्य करने के लिए संवेदनशीलता चाहिए, कार्य करने के लिए विजन चाहिए, नहीं था। बेसिक शिक्षा परिषद आज 1,20,000 विद्यालयों में, 1,58,000 में से 1,20,000 विद्यालय सभी मान्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, समाज के गणमान्य नागरिकों के सहयोग से, शिक्षा विभाग और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से हम लोग बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित कर चुके हैं। इस खबर में बस इतना ही, खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी अधिक खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को।